हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 इंग्लिश के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो क्वेश्चन पेपर की पार्ट टू वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS हाफ ईयरली पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट वन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 के इस क्वेश्चन तक कवर किया था और इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी इन विच अ डिसाइपल इज एक्सपेक्टिंग द विजिट ऑफ गॉड। डेवलप अ कंप्लीट स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवन। ऑल्सो स्टेट द मोरल ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जो इनकम्प्लीट है, बीच में इसमें स्पेसेस हैं। इस स्टोरी के बेसिस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है और साथ ही स्टोरी का एक मोरल भी लिखना है। स्टोरी आप इस तरह से लिख सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। गॉड्स प्रोमिसेस टू अ डिसाइपल टू विजिट हर। द डिसाइपल क्लीन्ड हिज हाउस एंड वेटेड फॉर गॉड। सडनली अ पुअर वुमेन केम नॉकिंग एट द डोर। द डिसाइपल ओपन द डोर एंड सा हर बट He not help her and very rudely said don't waste time as someone important was about to come. Secondly, an old beggar come to his house and the disciple did not help the beggar either. Finally, a child knocked at the door. The rude disciple drove him away. That night the disciple had a dream. God told that he came to your house 3 times that day. Becoming a poor woman, an old beggar and becoming a child but you disappointed me. The disciple was very disappointed with his action. और स्टोरी का मोरल हो जाएगा, serving man is a serving God. सेक्शन C, ये ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks using the correct form of the verb in bracket. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और A, B, C, डी 4 ब्लैंक स्पेस है और उनके सामने वर्ब लिखे हुए हैं। इन वर्ब का सही फॉर्म आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी ब्लैंक स्पेस बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे शी हैड ब्लैंक स्पेस हर ड्रेस। यहाँ पर यस्टरडे की बात की जा रही है अर्थात बीते हुए समय की बात की जा रही है। यहाँ पर कम की जगह केम हो जाएगा और टीयर की जगह हो जाएगा टोर। आगे है ही ब्लैंक स्पेस राइट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। यहाँ पर भी यस्टरडे की बात की जा रही है इसलिए राइट की जगह रोट हो जाएगा। आगे है द गार्डनर इज ब्लैंक स्पेस वाटर द प्लांट। यहाँ पर इस है इसलिए वाटर में ing लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटरिंग द प्लांट। इस तरह से हो जाएगा माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे शी हैड टोर हर ड्रेस। ही रॉट अ लेटर टू हिज फादर यस्टरडे द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इन टू मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं डोंट पे इफ यू अटेंशन यू माइट द रॉन्ग ट्रेन टू द अनाउंसमेंट बोर्ड। इन वर्ड्स को आपको एक प्रॉपर वे में लगा करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैज टू हैव टू हैड टू। पहला है आई ब्लैंक स्पेस कट माई हेयर एवरी मंथ। यहाँ पर एवरी मंथ की बात की जा रही है अर्थात प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर होगा आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। सेकेंड सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस गो टू स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। यहाँ पर लास्ट ईयर है अर्थात पास्ट टेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर होगा हैड टू। इस तरह से आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ और दूसरा वी हैड टू गो टू स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। सेक्शन डी, ये लिटरेचर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन स्टेंजास को रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटी ने झिंगुर से कहा मैं आपकी
नौकर और दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बारो, वी आंट्स नेवर लेंड। लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं देती और कभी उधार नहीं लेती। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई विन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट। चींटी ने कहा, प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, जब मौसम गर्म था तो तुमने कुछ नहीं रखा था। क्रिकेट ने कहा, नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द क्रिकेट डू, क्रिकेट ने क्या किया था। दूसरा है, व्हाट डिड आई रिफर टू, आई किसे रिफर कर रहा है। तीसरा, विच सीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर, यहाँ पर किस सीजन की बात की गई है। राइट द अपोजिट ऑफ बारो इन गिवन इन द पैसेज, पैसेज में दिए हुए बारो वर्ड का अपोजिट लिखिए। ये क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं, इसलिए यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट में लिखें या सेंटेंस में। व्हाट डिड द क्रिकेट डू, क्रिकेट ने क्या किया था, इसके लिए आप लिख सकते हैं केवल नथिंग या क्रिकेट हैड नॉट डन एनीथिंग। आई रिफर किया गया है आंट को, आई रिफर टू द आंट। यहाँ पर समर सीजन को डिस्क्राइब किया गया है और बारो का अपोजिट है लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइसलैंड इन 1946। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कास्ट बाई अर्थक्वेक वॉलकैनोस एंड लैंडस्लाइड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टिली सी, टिली ने क्या देखा। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा था। आंसर है, टिली सा द सी स्लोली राइज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी रिमेंबर, उसे क्या याद आया। उसे वो वीडियो याद आई जो उसने सुनामी की क्लास में देखी थी। आंसर है, दैट शी सा अ सुनामी वीडियो इन द क्लास। थ्री क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हर्लपूल, आंसर है अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर। और फोर्थ क्वेश्चन है, सुनामी इज कास्ट बाय, सुनामी कैन बी कास्ट बाय अर्थक्वेक वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी 4 इन 30-40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर्स फाइंड इन द जंक शॉप, कबाड़ की दुकान में ऑथर को क्या मिला। आंसर है, द ऑथर फाउंड एन अर्ली 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, इट वॉज मेड ऑफ ऑक वुड बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, इट वॉज ब्रोकन इन सेवरल पीसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीपल्स एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवर मर गए थे। आंसर है, 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, 60 विजिटर्स वेयर पास्ड अवे बट नो एनिमल्स कार्केसेस वेयर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोस। सी क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। आंसर है, दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 अंडर इट एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रेल इन अ कोर्ट, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, दे प्रॉस्पेर्ड ऑन द कंपनीज लूट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। आंसर है, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज ही वॉज श्योर दैट ही न्यू हिम बट बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, ही थॉट दैट द मैन वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज चुन्नीलाल, वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू। आंसर है, चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन चौधरी, ही वॉज फेसिंग अ हार्ड टाइम एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन चौधरी इन हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट टास्क वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। आंसर है, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, द डॉग वर असाइन द वर्क ऑफ कैरिंग स्टिक्स एंड द ऑक्स टू प्लॉ द फील्ड फॉर मैन। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। आंसर है, वेलू वॉज बीटन बाई हिज फादर, हिज फादर यूज टू स्नेच ऑल द मनी ही एंड हिज सिस्टर अर्न्ड एंड स्पेंट ऑन ड्रिंक सो ही हैड रन अवे फ्रॉम द होम। तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश, द जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही रिफ्यूज द चिल्ड्रंस टू प्ले इन हिज गार्डन, ही बिल्ट अ हाई वॉल
अराउंड हिज गार्डन सो दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट कम इन एंड प्ले इन हिज गार्डन। 11 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। आंसर है, सिंस द ट्री वाज इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन स्प्रिंग कुड नॉट अराइव देयर, अ लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग एंड वीपिंग अंडर द ट्री, ही वाज नॉट एबल टू क्लाइंब द ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है, नरेट द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट एंड व्हाट मोरल डज इट कन्वे। आंसर है, द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट इज अबाउट एन आंट हु वर्कड हार्ड टू स्टोर फूड फॉर विंटर व्हाइल अ क्रिकेट स्पेंड द वार्म मंथ सिंगिंग एंड डांसिंग। व्हेन विंटर कम्स द क्रिकेट इज हंग्री एंड आस्क द आंट फॉर फूड बट द आंट रिफ्यूज एंड थ्रोज द क्रिकेट आउट ऑफ इट्स हाउस। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हार्ड वर्क एंड प्लानिंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस एंड दैट वन शुड नॉट वेस्ट टाइम आर एंड रिसोर्सेज। और में क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर बिपिन चौधरी, यू हैव रिसीव्ड चुन्नी लाल्स लेटर एंड फील अशेम्ड दैट यू डिड नॉट बदर टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। नाउ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर हिम, राइट अ लेटर टू चुन्नी लाल प्रोमिसिंग टू हेल्प हिम सून। लेटर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 20th September 2024, यहाँ पर डेट कुछ भी डाल लीजिएगा। माई डियर चुन्नी लाल, लेट मी फर्स्ट थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 15th September। आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू। आई कैन अंडरस्टैंड योर रिजेंटमेंट। नाउ अलाउ मी टू गिव यू अ हैप्पी न्यूज़। आई स्पोक टू माई फ्रेंड इन दिल्ली एंड ही हैज़ एग्रीड टू एंगेज यू एज असिस्टेंट मैनेजर इन हिज फॉर्म। Please come to me on Sunday. I shall then introduce you to my friends. With regards, yours sincerely, Bipin Chaudhary. Question number 13. ये question paper का last question है. What is child labor? What forced the young boy Velu to do the work on rag packing? Child labor किसे कहते हैं? Work that deprives children to their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, व्हाट फोर्स द यंग बॉय वेलू टू डू द वर्क ऑफ रैग पैकिंग। वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस। हाउएवर सिंस ही डिड नॉट नो चेन्नई टू वेल, ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैग टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब। 13 में और क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द सेल्फिश जाइंट। आंसर है, द सेल्फिश जाइंट इज वेरी सेल्फिश एंड रूड, ही डज नॉट अलाउ चिल्ड्रंस टू प्ले इन हिज गार्डन एंड पुट्स अप अ साइन टू कीप देम आउट। ही इज आल्सो वेरी पजेसिव ऑफ हिज गार्डन एंड डज नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर। वन डे द जाइंट हियर्स द बर्ड सिंगिंग एंड रियलाइज दैट ही हैज बीन क्रूअल टू द चिल्ड्रन। मेरा ये सजेशन है कि किसी भी वीडियो को देखने के बाद आप अपने पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से 100% रीड करें, लर्न करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।